चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कल परसों मशीन लेकर सारा शासन प्रशासन पुलिस को लेकर उतर गया, आंखों उब लठम लट्ठा हुई, जमीन मारी गई, पीछा में मिला नहीं। आप लोगों को इन घटनाओं का सामना करने के लिए तो आगे भी तैयार रहना होगा। हम जमीन को माँ का दर्जा देते हैं, और जब हमारी माँ पे जाति होगी या हमारी माँ को हमसे कोई छीनेगा तो उसका बेटा मरने से पीछे नहीं होगा। अरे किसान भाई, ये पवन भी बेवकूफ आ रहा है, ये समझ नहीं रहा बात। इनके सारे ये पता नहीं क्या करता है, कहीं बंदी आप लोगों को इन घटनाओं का सामना करने के लिए तो आगे भी तैयार रहना होगा, क्योंकि प्रशासन ये नहीं है कि आप लोगों से सिर्फ परास्त होकर चला गया तो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेगा। स्वाभाविक है कॉरिडोर का निर्माण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप लोगों की ताकत आप लोगों के अधिकारों को मनवाने का काम करेगी। हमारी मांग मुआवजा, नालियां, अंडरपास, हमारी ट्यूबवेलों का उचित मूल्य, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी एक मुख्य मांग है कट। शासन प्रशासन का कैसा रवैया है? जैसे आपके 50 दिन का बिल्कुल गलत रवैया है, 48-50 दिन हो गए धरने को आज तक चलते हुए, एक भी शासन प्रशासन का नुमाइंदा आज तक नहीं आया यहाँ से। कल परसों मशीन लेकर सारा शासन प्रशासन पुलिस को लेकर उतर गया, आंखों उब लट्ठम लट्ठा हुई, हमारे आदमियों को उठा ले गए, छुटाए हमने अपने जबरदस्ती। जो परसों है मतलब सरकार का जो रवैया था वो बिल्कुल ही बहुत ही निंदनीय था, और हमारे बुजुर्गों की जिस तरीके से बेइज्जती की गई, और यहाँ जो हमारे युवा साथी थे अगर उनकी भी इस तरीके से मतलब ऐसा काम कर दिया, अगर यहाँ इतना बड़ा नरसंहार हो सकता था ना, कोई अब तक आगे कोई संतोषजनक हमें जवाब मिला। और जो वहाँ भी हमारे किसान भाई या हम जितने भी लोग हैं वहाँ जाते हैं अगर कार्यालय पर उनके डीएम ऑफिस एसडीएम ऑफिस, तो वहाँ भी जो है बड़ा दुर्व्यवहार होता है। उनको तो इरादा परसों जलियांवाला बाग बनाने का था, यहाँ से हम मजबूर थे, हम नियत्ते थे, माई गेल अत्याचार हुआ, तो लोगों को चोट भी आई। हाँ चोट आई बहुत, मारे जो बुजुर्ग गया बैठे 40-50 दिन तक, उन्हें खेच खेच के दुर्व्यवहार कराने गए, जमीन मारी गई, पीछा में मिला नहीं, रास्ता मन दे रहे जी, मारी जमीन चली गई, हम बेरोजगार हो गए, मारा एक ही रोजगार है, आगे हमारे बालक भविष्य में नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, जो भी कुछ करेंगे कहाँ को आ जाओगे। किसान की जमीन छीनने का तो काम कर ही दिया, ये हाईवे निकाला, क्या आपके घर में कोई भी आदमी बिना किसी इतला के बिना किसी अपॉइंटमेंट के क्या आके बुलडोजर चला देगा? ये कानून है या ये प्रजातंत्र है? इनका रवैया सिर्फ एक है कि तानाशाही करो और सबको डरा के रख। किसानों को क्या संदेश है? किसानों का संदेश ये है कि किसान इस जमीन के लिए एक जरासी डोल पे भी आपस में भाई भाई को कत्ल कर दे तो ये अपनी जमीन ना जाने देगा,
फ्री में, और कहीं भी जब तक ये शांति प्रिय रहेंगे तो किसान शांति प्रिय, और जब ये ऐसा बर्तावा करेंगे जैसा इन्होंने परसों यहाँ किया तो किसान भी पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत पर। ये जमीन हमारी, हम जमीन को माँ का दर्जा देते हैं, और जब हमारी माँ पे जाति होगी या हमारी माँ को हमसे कुछ छीनेगा तो उसका बेटा मरने से पीछे नहीं हटता। लड़के ले आए।